शख्स जो इस वक्त कटहरे में खड़ा है, कौन से जिसके हाथ रंगे हुए हैं, कानून तोड़ना जिसकी आदत बन चुका है, जुर्म करना जिसके दिल बहलावे का सामान है, इस शख्स को वो सजा देनी चाहिए एक बार मौत की थर्रा उठे, ताकि कल दोबारा कोई शख्स मंगल बनने की हिम्मत न कर सके। मंगल तो हर हाल में पैदा होते रहेंगे वकील साहब, जब तक गरीब लाचार माएं भूख से तड़प तड़प कर अपनी औलाद का वारिस छोड़कर बची रहेगी, जब तक मासूम बच्चे गंदी नालियों के करीब मौत के साए में पलते रहेंगे, जब तक शैतान नुमा इंसान इन मासूम बच्चों की बेगसी का फायदा उठाकर मोदी का लालच देकर इन्हें मुजरिम बनने पर मजबूर करते रहेंगे, तब तक सोसाइटी में एक तो क्या लाखों मंगल पैदा होते रहेंगे, कदम कदम से पैदा होंगे, जब्बे पे पैदा होंगे। ठीक है, जज साहब, अगर इस समाज और सोसाइटी से पाप और गुनाह को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उन शैतानों को खत्म करना होगा जो चंद सिक्कों की खातिर गरीबों की शराबत और इंसानियत खरीद कर उनके दिलों में गुनाह का बीज बोते हैं, पाप के साए में उनकी परवरिश करते हैं, लोगों का खून पिलाकर उन्हें फड़ने पर मजबूर करते हैं। आखिर वो मासूम, वो लाचार, वो बेकस एक गुनाहगार बनकर सांप की तरह सोसाइटी के सीने पर लौटने लगता है। खत्म करना है तो उन लोगों को खत्म कीजिए, एक मंगल को खत्म करने से कुछ नहीं होगा। जैसा जुर्म मैं कर चुका हूं, सबूत उसकी अदालत तक पहुंच चुके हैं, कलम आपकी मेरे लिए सजाए मौत लिखने को बेकरार है, आप अपना फैसला सुना दीजिए, लेकिन लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, कसूर मेरा नहीं रोटी की कसम, भूख की दुनिया में ईमान बदल जाते हैं। आर्डर आर्डर, मुल्जिम मंगल, अदालत को तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, इसलिए तमाम सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत तुम्हारे लिए सजाए मौत का ऐलान करती है।